हिसाब होगा भाई के। इतने में आपकी आयश हो जाएगी। मैं पहली बार लेवल रेस ज्यादा पैसे के फेवरेट। ये किसकी? तो हे गाइस वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग से अगेन। जैसे आप लोग मैं बहुत ही बढ़िया हूं, हॉपफुली आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। सो गाइस बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि अपने लास्ट ट्रेवल ट्रिप जो था उसका बजटिंग बताओ कि कितना एक्सपेंसेस लगा, कितना क्या लगा। तो आज मैं वो बताने वाला हूँ कि कितने पैसे लगे ओवरऑल और खर्चा हो गया बहुत सारा। एंड अब की बार हमने बिल बनाया। लास्ट टाइम क्या हुआ था गोवा ट्रिप का, हमने कोई भी बिल नहीं बनाया था। मतलब हमने करा था, हिसाब लगाने स्टार्ट किया, बट आफ्टर सम टाइम आई थिंक पूरा हमें तो राहुल का दिमाग था जिन्होंने बिल बनाने बंद कर दिए, क्योंकि आज तक उस हिसाब मतलब उस ट्रिप का हिसाब नहीं हुआ है। और मेरे अकाउंट से बहुत ज्यादा पैसे गए थे जो इन लोगों ने छुपा लिए। राहुल ने दबाए, अमित ने दबाए, पूरब ने दबाए। पूरब ने तो पूरब ने एडमिट कर लिया था। फिर अमित पता है क्या करता है, राहुल ने भी एडमिट कर लिया था। अमित पता है आज भी ऐसे कहता है कि ले लिया भाई कितने दे, 5,000-6,000 नहीं थे भाई, बहुत ज्यादा थे। चलो छोड़ो सब पुरानी बातें, अब की बार हमने सारा बिल विल हिसाब हिसाब अच्छे से बनाया जो आपको मैं बताने वाला हूँ इन डिटेल की कितने चार्जेस आए डीजल से लेके खाने के लेके और सब कुछ वही मैं बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक और चीज के बारे में बताना चाहता हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत फायदेमंद है, स्लाइस कार्ड। अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूँ ना तो मैं पूरी वीडियोस पे दे सकता हूँ, बट मैं अगर मेन पॉइंट्स की बात करूँ तो जल्दी से निपटाते हैं जो आपके लिए बेनिफिट होगा। सो देखो, इस कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप 18 प्लस हो। 5 मिनट में अप्रूव हो जाएगी आपकी प्रोफाइल, उसके बाद कोई पेपर वर्क नहीं है, जो पुराने वाली झंझट वंझट होती है कुछ नहीं है, कहीं चक्कर नहीं काटने। एंड उसके बाद आपको 10 लाख तक की लिमिट मिलती है जो आप अपने बैंक में भी ट्रांसफर करा सकते हैं, और हर ट्रांजेक्शन पे आपको 2% का कैशबैक मिलता है। अगर आप कोई भी बिल को अपने 3 मंथ्स में स्प्लिट करना चाहते हैं, 3 मंथ्स में स्प्लिट ऑप्शन है, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है। एंड यार कितने फीचर हैं, एक और है, कार्ड को यूज करोगे तो इसके बाद आपको ऑफर्स मिलते हैं अमेजोन पे, मिंत्रा पे, स्विगी पे, जो इस कार्ड के थ्रू मिलते हैं आप वो भी फायदा उठा सकते हैं। सो दिक्कत किसी बात की नहीं है, कोई भी एनुअल फीस नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, कोई भी हिडन कॉस्ट नहीं है। अप्लाई फॉर इट, डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है। व्हाई वरी अबाउट बिल्स व्हेन यू हैव स्लाइस कार्ड, यूज करो। सो अब बात करते हैं अपने बजट की, तो बजट कुछ ऐसा है, लैपटॉप खोलते हैं और अब की बार मैं हिसाब में पक्का होने वाला हूँ, कुछ छोड़ने नहीं वाला, सब लेना है। हेलो सुन, पीछे बैठा है जो तू राहुल, लिख लिया मैंने सब, अमित को बता दे पहले से उधार, अमित पे पहले उधार है। और अमित से मैंने याद दिलाया, मैंने कहा तेरी पिछली उधार इतनी है, तो पता है क्या कहता है, यार भाई मेरा मूड खराब कर दिया, मैं तो अच्छे मूड से आ रहा था, टेंशन होगी, जा रहा हूँ वापस, घर आ रहा है वो आज रात को, हिसाब करूंगा। ओए हिसाब होगा, हिसाब होगा, इंसाफ होगा मेरे साथ, गोवा में तो नहीं हुआ, अब होगा, अब बताता हूँ आपको। सो ऑलमोस्ट हमारे 40,000 कुछ लगे हैं पैसे, जिसमें से हमारे डीजल के लगे हैं 18,825। ये डीजल की कॉस्ट है जो घर से भरवा के निकला था, उसके बाद एक्स्ट्रा लगे वो है। इसके सिवा हमारे टोटल एक्सपेंसेस जो हैं वो हैं 22,849। ये है, इसमें हमारे होटल आता है, हमारा खाने का आता है और हमारा रहने का आता है। इसके सिवा जो एक्स्ट्रा जो हमारे ग्रीन टिकट की फीस होती है वो लगी, हमने कुछ भी एक्स्ट्रा फिजूल खर्ची करी नहीं थी, और जो करी थी हमने अलग से लिखी है। लाइक 11,000 की हमने शॉल ली थी ना, तूने मैंने और अरविंद ने, टोटल 11,000 समथिंग का बिल था, जिसमें हमने ड्राई फ्रूट्स और शॉल वॉल ली थी, वो हमने इसमें ऐड नहीं करा। ये 22,000 जो है वो अलग से है, जिसमें आपका ट्रैवल आ गया, मतलब ट्रैवल मतलब स्टे आ गया, खाना आ गया एंड छोटी मोटी चीज़ें आ गई मिसलेनियस। तो देखो पहाड़ों पे जाने का ना इतना खर्चा नहीं है अगर आप लिमिट में जाओ तो, क्योंकि हम 3 लौंडे थे, हमें इतनी अय्याशी मतलब वो तो करनी नहीं थी कि बहुत लग्जरी वाला चाहिए, बट हमने जो जो व्लॉग में करा है वो इस बजट में हो गया। एंड अगर आप 3 दोस्तों डीजल मिला के खाना वाना मिला के आप 50,000 में जितने दिन हम गए अच्छे से निपटा के आ सकते हो बढ़िया तरह। लाइक हमने कहीं मतलब कमी नहीं छोड़ी, जो हमने खाना था खाया, तो मतलब ओवरऑल यार हमने कुछ ऐसा कुछ छोड़ा नहीं था कमी वाला हिसाब, मतलब ऐश करके आए। तो इतने में आपकी ऐश हो जाएगी। बहुत लोगों का डाउट होता है कि भाई कितने पैसे लगेंगे, तो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते, इतने लग जाते हैं, सेविंग करो, मैं तो मतलब राय दूंगा आपको, पैसे सेव करो एंड घूमो। लाइक सेविंग के बाद जब खुद की सेविंग करोगे ना, ये नहीं कि मतलब लिए और खर्चा है, नहीं, सेविंग करो अच्छा लगता है, धीरे धीरे घूम के आओ, मैंने भी करी, आप भी करो और फिर घूमो। सो ये कुछ बिल्स थे, ये मैंने बता दिया, अगर आप कहते तो मैं सारा स्प्लिट करके बता देता, बट बहुत लंबा हो जाएगा कि हमने कहाँ स्टे का कितना दिया है, वो बहुत इंटरेस्टिंग नहीं होता, तो मैंने वो हटा दिया। एंड लेट्स गो, इसके बाद हम ऑफिस जाने वाले हैं, आज मैं बहुत एनर्जेटिक हुआ। एंड गाइस वन मोर थिंग, मैं जिम जा रहा हूँ लगातार 4 दिन से, और वो भी सुबह, मैंने अपना रूटीन सुधारा है। राहुल ने मुझे चैलेंज दिया था, देखो पीछे बैठा, ओ हेलो, बोलो बोलो बोलो, किथे, पहले शक्ल दिखाओ। यार एक बात बताओ, एक बात बताओ, जो इंसान पिछले इतने सालों से सुबह का रूटीन नहीं फॉलो कर पा रहा, अगर वो कोशिश कर रहा है तो ये लोग इधर इधर फ्रेम में हाँ। ये लोग उसे दबाना चाह रहे हैं, ये लोग उसे नहीं चाह रहा। आपको बोला था मैंने फर्स्ट टाइम की ना, सेकंड डे में गया, शुरू किया, शुरू करा सेकंड डे, देख अभी पता मैं जा रहा हूँ ना रेगुलर। मैंने व्लॉग इसीलिए नहीं बनाया कि पहले ना 3-4 दिन चला जाऊँ, सुबह उठ जाऊँ, रूटीन बना लूँ, फिर व्लॉग बनाऊंगा, तो अभी नहीं बनाएंगे, व्लॉग भी बनाएंगे एंड लेट्स गो।
ऑफिस चलते हैं, सब मेरा इंतजार कर रहे हैं, वहाँ वाट लगने वाली है किसी की, तो वाट वाला सीन नहीं दिखाऊंगा मैं, वो हमारा थोड़ा मतलब ऑफिस का बेचीदा। और हाँ गाइज, मेरी आँख एकदम ठीक है, लास्ट व्लॉग में आपने देख ली होगी, बट मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ, एकदम ठीक है, स्ट्रेचेज हैं, धीरे धीरे डिजोल्व होंगे, हल्का सा एक निशान है वो जल्दी चला जाएगा, होपफुली चला जाएगा। लेट्स गो, मैंने गाड़ी भी धोई आज, मैं मेहनत करने लग गया हूँ गाइस, यू नो मैं मेहनत कर। और आज हम रात को क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, उसके सिवा यार वो लद्दाख वाला स्टिकर वो निकाल के दियो, हम लगा देते हैं। एंड हाँ, इसमें रखा है। एंड हाँ, इसके सिवा मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये जो वॉल है, इस वॉल पे अगर आपको कुछ मिसिंग लग रहा है तो वो है लद्दाख की फोटोज, ले लद्दाख की। तो आज राहुल तू निकलवा के ला रहे है ना फोटोज, ये राहुल फोटोज ले आएगा सब निकलवा के, आज उसे लगा देंगे, इस ब्लॉग के एंड में आपको वो भी दिख जाएगा। उसके सिवा ये हम लद्दाख से लाए थे, ये भी हम यहाँ पे लगाएंगे, इसके सिवा एक लद्दाख का और होगा, ये लाए थे हम, इसको भी यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे लग जाएगा ये कहीं, और राहुल फोटोज ले आएगा अमित के साथ आके, और उसके बाद हम जाएंगे बहुत दिनों बाद क्रिकेट खेलने, मजे मारेंगे और आपको दिखाएंगे। लव यू। चलो यार, मेरा छोटा रह गया धागा ना, ये लंबा होता ना मेरा तो यहाँ से यहाँ तक आ जाता, ये यार पूरब का लग रहा है मुझे साइज ना, लंबा वाला लाना चाहिए था। ये क्या कर रहे हैं इसका, ये यहाँ ना लगाएं फिर यहाँ लगा दें फोटोज, और उसके ऊपर ये अगर यहाँ लगा रहे हैं ना तो ले लद्दाख का स्टिकर इसके ऊपर हो जाएगा यहाँ। ओते ओते। चलो गाइस, राहुल भाई मिलते हैं, आप फोटोज वोटोज निकलवा के लाओ, ओ जप्पी दे दे फिर चले टिंगी टिंगी। क्या हो? अरे पूरे इसको भाई बहुत गुदगुदी होती है, इसको बहुत गुदगुदी होती है, उरे 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 मुंह बीचा मुंह क्या हुआ, नाखून लग गया, अरे बाल उसके मुंह में, पूरा पूरा ढक्कन ढक्कन दे ढक्कन। बाय बाय। चलो पापा नोनू को चेस खेलना सिखा रहे हैं, पहले पापा ने मुझे चेस खेलना सिखाया, अब इसको सिखा रहे हैं। कुछ आई पापा इसे खेलने? थोड़ी थोड़ी आई। घोड़ा कितने कदम चलता है? घोड़ा एक दो ढाई। ओहो टीचिंग सही चल रही है, चल खेल ले फिर मैं तेरे को हराऊंगा, प्रैक्टिस कर ले अच्छे से। हाँ भाई कपड़ों में बेचारे उसको छुपा रखा है, इसकी ये कुर्ता ना मेरे को सबसे कूल लगता है, सबसे अच्छा लगता है। ये मेरे पास भी ऐसा कुर्ता, एक दिन ट्रेनिंग करके घूमने चलेंगे, ठीक है? ठीक है मामा, ओके। और मेरा एक शॉर्ट्स भी आपके जैसा है बिल्कुल। इसके लिए सुपर ड्राई के अच्छे लाते हैं, छोटे छोटे उसमें कलर मस्त आते हैं। बाय 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 कर दो, बाय करना नहीं आता, इसे बस गोदी चलना आता है। चलो बाय बाय, आता हूँ ऑफिस से हो गया। बहन कह रही थी फैला हुआ है घर मत दिखा, है घर फैला हुआ है मेरा घर, और मैं दिखाऊंगा, मैं प्राउडली दिखाऊंगा। अब देखो इंसान तो बदल नहीं सकते, जैसे होंगे वैसे रहेंगे, तू कैसे बैठ। बाय। किलो चेस किलो में जा रहा हूँ ऑफिस, पीछे वाला टायर है ना अपना, उसमें हवा निकल रही है, टायर खोलना पड़ेगा। अरे तो टाइम लेगा, 5-7 मिनट में कर दोगे? इसे ठीक करवाते हैं, जरूरी है बहुत, क्योंकि मैं नहीं चाहता कहीं जाऊँ और फंस जाऊँ। भाई निकालो इस कील को, इसे लगाना भाई, कहीं एक पंचर के चक्कर में एक और लगाना पड़ जाए इसको। नहीं नहीं वो दो मेरे साथ हुआ हुआ है, एक ने सही से लगाया नहीं, डबल लगाना पड़ेगा, टायर और खराब होता है इससे। ये था मास्क क्यों नहीं लगा रहा, छुप क्यों रहा है? अंकल मास्क लगाओ, इसको भी दो एक ला के, है ना, इसको भी ला के दो एक। कह रहा है मास्क नहीं है, मैं पकड़ा के जाऊंगा बेटे, मास्क नहीं है तो। छुप रहा है, छुप, मुंडी छुपा रहा है। भाई जान सभी क्या तुक्का लगा, मैं रास्ते में निकल रहा था और सामने मैंने एक गाड़ी खड़ी देखी, वो हर्षू की गाड़ी थी, वो भी खड़ा ही था रोड के साइड में, तो भी वो पीछे पीछे आ रहा है फुल, आज तो फुल भगाता हुआ ला रहा है भाई। ये होती हुई हीरो की एंट्री, भाई के देख ले, पकड़ लिया ना, हर बारी क्या, हर बारी पकड़, मैं हर बारी, अरे मैं देखता हूँ चलता हूँ कहाँ दिखेगा तू, तेरी गाड़ी चमक मार दिया दूर से, मैं देख लेता हूँ सब पकड़ लेता हूँ, एक दिन और पकड़ा था मैंने तू। ये देखो गाइस, मेरे ब्लॉग में पहली बार पूरब की शानदार न्यू कार, राइम हो गया भाई, किसने कहाँ देखी है, मैं एक टेस्ट ड्राइव ले चुका हूँ छोटी सी, तो मुझे तो मजा आ गया, और मुझे मतलब नेक्सॉन कार तो बहुत ज़्यादा, मतलब टाटा की गाड़ियाँ तो मतलब हैं ही अच्छी अब, एंड बहुत बढ़िया कार है यार, बहुत मस्त, मैंने चला के देखी थी, और तब मैंने चलाई थी ना, मैं ऐसे डर डर के चला रहा था, बट कितनी प्यारी लग रही है, सुंदर एकदम क्लासिक कार, ये सिटी मोड स्पोर्ट्स मोड बढ़िया, मेहनत का फल, आई कैन फील इट ब्रो, जब पहली गाड़ी लेता ना इंसान अपने पैसों से, सही में भाई, तो ऐसी खुशी मिलती है। अपना तू दिन में नहीं नहीं भाई ठीक है, तुम मार सकते हो, तुम मार सकते हो। अब पता है क्या होता है, तब घर पे खड़ी करते हैं ना, तो भी बार बार चेक करते हैं, जा जा के करा करा चेक करा, सुबह उठ के धो रहा हूँ भाई गाड़ी, बेमतलब धुली पड़ी है फिर भी धो रहा हूँ। चल ठीक है भाई, अभी से वापस जाना है घर, तो
हम जाएंगे भाई इस दिन, एक दिन इसमें हम चलते हैं ना, राइड पे चलते हैं घूमने फिरने मस्त। आशिक मजनू आवारा, आवाज कम कर, आवाज कम कर, आवाज कम करी, तूने क्या हरकत करी, समोसे खाते खाते एकदम से क्यों छुपाया है? ये देखा हरकत देखी तूने एकदम से पैक करके यहाँ, ये देखो इनकी जिम हो रही है, समोसे खाए जा रहे हैं, जिम हो रही है, शर्म आ रही है भाई, इसको कम कर दो ना, बंद कर दो, बढ़िया, ये देखो ये समोसा खाया जा रहा है, ये शर्म आ रही है। चलो भाई अभी क्रिकेट खेलने चलेंगे। जो इंसान 12 बजे उठता है वो बहन 9 बजे होके जिम करके अपनी, भाई मैंने अपना रूटीन सुधार लिया, मैं अच्छा इंसान हूँ। आज मेरा बहुत मन था चीट करने का, कुछ बाहर का खा के आने का, पर मैंने खाया नहीं क्योंकि कल राहुल का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे हम रात को, और हम कल रात को डाइट की कर देंगे फुल। ये पहली फोटो, ये दूसरी फोटो, ये तीसरी फोटो, ये चौथी फोटो, ये पांचवी फोटो हमारी, ये छठी, और ये कुछ ऐसी और फोटोज हैं, और ये मैंने क्लिक करी थी, क्लिक बाय मी। ओके फोटो लागे, अभी प्लेस करते हैं इसे। क्या इस्तांबुल? तो भाई ये जो बीच वाली फोटो है ना, मेरी वन ऑफ माय फेवरेट फोटो है। अब रेज होता है यार, लेवल रेज होता है, लेवल रेज, यस लेवल रेज। भाई मेला लगा हुआ है यहाँ तो, सब भरा पड़ा है। जब हमने आने स्टार्ट किया था ना, लोग नहीं आते थे, कसम से लोग आते नहीं थे, तो हमने आने स्टार्ट किया था, यहाँ मेला लगा हुआ है, भरपूर प्लेयर आए हैं, 3-4 प्लेयर तो एक जितने। अरे यार भाई जल्दी से ग्राउंड दे दो, बहुत दिनों बाद क्रिकेट खेलना है, मैं बता रहा हूँ पेल दूंगा आज। चल आ जा, अनमोल तुझे छोड़ हम देंगे, और क्या यार अपने भाई को आइसक्रीम खिला के छोड़ूंगा, पहले आइसक्रीम खिलाऊंगा। कौन सी वाली? मैं तो कुल्फी खिलाऊंगा, कुल्फी चूसने वाली, चूसेगा? अरे यार पता है अभी धोखा दे गया भाई। तुमने सोने से पहले फोन क्यों नहीं किया भाई? यार तुम पागल हो, तुम्हें बता तो देते कि सो रहे हो तुम, प्लान है सोने का। अरे नहीं, अरे हमारा ये था कि मैंने कहा चलो 9:30 हो रहे हैं, एक घंटे का नैप ले लेते हैं, वो जो भी बेहतरीन नैप है। यार ये नैप होता है, इसको तो सोना कहते हैं, ऐसा नैप लिया आप उठ ही नहीं रहे। चल ठीक, आ जा जल्दी, आ जा आ जानू तू तो। भाई यार अर्शु धोखा दे गया, कह रहा था क्रिकेट खेल रहा हूँ, उसके चक्कर में बुक करा है ग्राउंड, अब कह रहा है सो रहा हूँ, हम कह रहे थे आजा लेने आ जाते हैं, भाई उठ ही नहीं रहा अगला। तेरी कोई शर्म नहीं है, मतलब ये नहीं बुरा नहीं है, मैं तो मैंने प्लान बनाया नहीं, पानी बचाया। अरे मेरे को तो बोला उसने, दिल में मेरे को खुद बोला कि क्रिकेट खेलने चलते हैं, मेरे काम सोच ही रहे थे क्रिकेट का, आज चले कहता कर लो बुक 11 बजे का बुक करा। अरे नहीं उठेगा भाई, उठालेगा तेरे को माँ का समय, मैं नीचे खड़ा रहूंगा, ऊपर से उठा के लाएगा उसे, गोदी में लेके आएगा, उठा के लेके आएगा तेरी, हाँ हाँ उठा लाऊंगा, मैं यहाँ से गाड़ी लेके जाऊंगा, और तू यहाँ से नहीं उठा पाया ना उसे, क्या उठा के गाड़ी में नींद में लाना पड़ेगा, नींद में लाना पड़ो, उठा लो गाड़ी में। चल ठीक है, अब चल अभी अभी जा रहा हूँ मैं, कर राहुल को बोल वेट कर। तूने कही थी सुन, तूने कही थी एक बारी चल पश्चिम यार, तक उठा के ले जाऊंगा मैं, आ गया एक बारी चल, चला आ गया ऑफिस के बाद। ये गाड़ी खड़ी, इसके पीछे गाड़ी खड़ी थी, इसलिए नहीं आ पा रहे। कौन सी गाड़ी खड़ी है? वो खड़ी, वो साइड में खड़ी हो, बहाने भी इतने कैडे मारे हैं, निंजा खड़ी है, बाइक खड़ी है, निंजा खड़ी है, उठाएगा तू? तूने कही थी कई, वो तो बात हो गया, नींद से मैंने आज तक किसी को उठाया नहीं, तो उठाया मैंने। अब अभी अभी बेशक यार तू, मैंने तेरे को उठाया नींद से आज, हमने तैयार अपने दिल से आज, मैंने तेरे उठाया आज तक नहीं, क्या हाल है भाई? ये क्या ऑन छोड़ के चले गए तेरे को उठाने हमें इतनी दूर, कौन बना रहा है गाड़ी के पीछे गाड़ी खड़ी है, प्लॉट खाली पड़ा है पूरा। चल ले ना भाई, अरे ना सच में तुम जब पता, मैंने ये सोचा था मैं चलता भी नहीं, लग यार हमें तूने कसम खा के उठा के लेके जाएगा। चलो चलो, इतने दिन हो गए बल्ला पकड़े इस ग्राउंड में खेले, वेलकम टू क्लब। मार छक्का मार। राहुल शर्मा ने अपने चूतड़ मटकाए और लंबे लंबे बालों के साथ ये चौका खाया, और ये मोहित चिकारा झूठ बोलते हैं, मेड और ये चिपस, चिपस ये प्लेयर बनेंगे, आते ही चिप्स खोल लिए, कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, आए मैगी खाने के लिए। भाई मैं मैगी की मोटिवेशन से आया था इधर, बहुत स्वाद मैगी मिलती है। घर पे ना मैं घुसा समोसे खा रहा, उल्टा डाल दिया पैकेट में उसे, और ऐसे बैठ गया। मैंने कहा क्या कह रहा, प्रोटीन पीऊंगा अभी, मैंने कहा वाह। चलो भाई मिल दुल दिल करें, ये किसकी? अनमोल की। तो हाँ ये किसकी? थप्पड़ मारना तेरी। ये मेरी, ठीक है। ये किसकी? थप्पड़ मारना मेरी, ठीक है। चोल हो गया, चोल बॉलिंग फर्स्ट है, धूल में थर्ड हो गया, ये एक्चुअली हुआ क्या, राहुल
हो गया जीरो पे आउट। अमित ने मार दिया 6 रन और राहुल मेरे से बदला लेने के लिए बॉल डालना है, ये मुझे करना चाहता है जीरो पे आउट, मैं इसे जीत ना पाऊँ। ये ना भाई भी इसकी बॉलिंग आराम से खेलेगा। राहुल राम से पहले घबरा रहे, एक दूसरे को बोल दे रहे हैं भाई डिसाइड कर लो कौन डालेगा। सीधी बॉल नहीं डल रही, विकेट दिखा रहा उसे। हाँ भाई आगे स्वाद साले अनमोल, डीले डीले में खेच गया तू। मैं मजे मजे में, मजे मजे में तू ना, तू दो तीन चटका हो गया तेज की। चलो भाई सबकी बैटिंग रिकॉर्ड कर ली इस मैच में, मैं आ गया सेकंड पे, अनमोल आया फर्स्ट पे, पता नहीं कैसे राहुल आया लास्ट और जय को सरदार थर्ड पे। अब खत्म करो इसे।